Hello students, I'm Akshita Tandon and I've done my MTech from IIT Kanpur and PhD in Electronics and Communication. In videos mein humne class 12th ka pura syllabus ka cover kiya hai, maximum types of numericals kiye hai, ki agar ek do bhi aap is tarah ke kar lenge, to it will be easy to crack all types of numericals. इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी लिया है. टिल नाउ वी हैव डन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वी हैव डन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव डन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन वी हैव डन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी हैव डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ये सारे हम टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस 13 लेक्चर्स. और हर जब एक एक हमारा मेजर टॉपिक कंप्लीट हुआ था तो आई हैड अपलोडेड एक न्यूमेरिकल का लेक्चर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. जैसे फोर्स एंड फोर्स पे एक हमने अपलोड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने एक अपलोड किया था, गॉस थ्योरम में आई हैड अपलोडेड वन. तो ये वाला जो न्यूमेरिकल्स का है, दिस इज ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं एंड कुछ बोर्ड एग्जामिनेशंस के हैं. तो वी विल बिगिन विद सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव टाइप से हम शुरू करेंगे. 4-5 वील टेक ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देन वील मूव ऑन टू आर नॉर्मल क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट रिलेशन. वी हैव टू चूज द करेक्ट रिलेशन. चूज द करेक्ट रिलेशन. फोर ऑप्शंस आर गिवन. जे इज इक्वल टू सी वी बी, J is equal to VA, C, J is equal to C by V and D is given as V is equal to JC. ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहला ही ऑप्शन देखें तो वी विल गेट आर आंसर. हमारा वर्क डन. ये किस चीज में रिलेशनशिप दे रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन और चार्ज और पोटेंशियल, इनके बीच का रिलेशनशिप दे रखा है. तो हमारा पहले हमने ये सारे देख के ये समझ लिया कि ये वर्क डन, पोटेंशियल और चार्ज, इनके बीच का रिलेशनशिप दे रखा है. तो पहले हम अपनी अगर डेफिनेशन लिख दें, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू इंटू वी. तो वर्क डन इज जूल्स, क्यू इज आर सी एंड पोटेंशियल इज वी, सी वी. तो फर्स्ट ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, हमें एक फिगर दे रखा है. वी हैव बीन गिवन अ फिगर लाइक दिस. एक फिगर हमें दे रखा है, यहां पे चार्ज रखा गया है क्यू. दिस इज द फिगर गिवन. एक आर्क हमें दे रखा है. दिस इज द आर्क, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ L, ठीक है. आर्क ऑफ लेंथ इज L. एक चार्ज Q इज फिक्स्ड. Q चार्ज यहां पे बीच में हमने फिक्स कर दिया. अब दो पॉइंट्स लिए. दे हैव टेकन टू पॉइंट्स. एक पॉइंट M है, एक पॉइंट N है. दो पॉइंट्स ऑन द आर्क लिए हमने. हमसे कहा गया एक चार्ज Q को हम, एक चार्ज Q को हम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाएं, अगर M टू N हमारा Q ट्रैवल करे, Q हम M से लेके N तक ले जाएं, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी, वर्क डन इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस वो क्या होगा, ठीक है. क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन नंबर वन इज जीरो. ऑप्शन नंबर टू इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q L अपॉन R स्क्वायर. ऑप्शन नंबर थ्री वॉज गिवन टू अस एज क्यू क्यू एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट. पाई नहीं दे रखा है, टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. एंड द लास्ट ऑप्शन गिवन टू अस वॉज दिस. ये चार ऑप्शन हमें दिए गए. हमसे कहा गया कि एक चार्ज फिक्स्ड है, ये चार्ज यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है. एक आर्क है, एक आर्क है ऑफ द रेडियस R. ये रेडियस इसका R है, ये रेडियस इसका R है. यहीं पे लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू R. R ले लें या स्मॉल R rather ले लेते हैं. R दे रखा है, स्मॉल R इसका रेडियस है. अब हमसे कहा गया कि एक स्मॉल चार्ज है Q, इसको हमें M से लेके N तक ट्रेवल कराना है.
हमने ये ट्रैवल कराया, हमसे पूछा गया कि क्या वर्क डन होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. व्हाई? क्योंकि जो पोटेंशियल इस क्यू की वजह से एम पॉइंट पे है, पोटेंशियल एट एम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एन, एट एन, क्योंकि दोनों कितनी दूरी पे हैं, दोनों आर दूरी पर हैं, इससे दोनों आर दूरी पर है, आर्क है एक, दोनों आर दूरी पर हैं, तो पोटेंशियल एट एम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एन, देयरफॉर वी एन माइनस वी एम इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. तो योर फर्स्ट ऑप्शन जीरो विल बी करेक्ट. थर्ड पूछा गया हमसे, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट, ये आर का मैं इधर बना देते हैं, इफ यू हैव टू कॉपी क्यू, ये एम है, ये एन है, एक चार्ज स्मॉल क्यू है और ये आर डिस्टेंस है, दोनों का आर डिस्टेंस है, दिस वॉज द आर्क. ओके, थर्ड क्वेश्चन, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वॉज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और कहाँ पर रिलीज किया गया इसको, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ऑफ द चार्ज, एक चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया, कहां से रिलीज किया, रेस्ट पोजिशन से रिलीज किया, रिलीज करके हमने कहां उसे छोड़ा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको छोड़ दिया है. अब हमसे पूछा गया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो उस चार्ज की है वो कैसे चेंज करेगी. क्वेश्चन नंबर, पहला ऑप्शन इज कि इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बिकॉज ई इज यूनिफॉर्म, पहला ऑप्शन हमें ये दे दिया. दूसरा ऑप्शन इन्होंने हमसे कहा कि इट इज, इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस बिकॉज यू, यू इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द चार्ज, बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. सी ऑप्शन हुआ कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस बिकॉज, सेम थिंग, बिकॉज द चार्ज, द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड लास्ट ऑप्शन वॉज गिवन टू अस एज इट डिक्रीजेस, U decreases because the charge moves opposite, because the charge moves in opposite direction, opposite direction. ये चार ऑप्शन हमें दिए गए कि एक पॉजिटिव पार्टिकल को हमने रेस्ट से रिलीज किया, कहाँ रिलीज किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया. जब हमने उसको रिलीज किया तो हमसे पूछा गया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, क्या वो कांस्टेंट रह रही है, सेकंड क्या वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है, थर्ड कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या डिक्रीज कर रही है क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है, एंड फोर्थ इज कि इट डिक्रीजेस क्योंकि चार्ज मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ सिंस द पार्टिकल इज पॉजिटिव, सिंस दिस पार्टिकल इज पॉजिटिव, तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव पार्टिकल कैसे मूव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये ऑपोजिट मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो पहली चीज तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया. अब इस पे वर्क कौन कर रहा है, हु इज वर्किंग ऑन दिस चार्ज,
द सिस्टम इज वर्किंग ऑन द चार्ज. हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है इस चार्ज को मूव कराने के लिए. तो क्योंकि हमें एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ रही है और ये खुद से हो जा रहा है, तो क्या वर्क डन इस पे ज्यादा होगा या कम होगा? वर्क डन इस पे कम होगा, और जितना कम होगा वर्क डन उतनी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी. देयरफॉर दिस ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इस पे हमें कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव टू do any external work on the charge to make it move along the electric field. Next question. Ek figure hame de rakhe hain, kuch figures hame de rakhe hain. Some figures have been given to us. This is your fourth question. Hame de rakhe hain. This is A to B, दो points marked हैं. Sorry, यहाँ पे mark कर लेते हैं. A point ये है, B point ये है. 10 volt, 20 volt, 30 volt and 40 volt. ये चार potential equipotential surfaces हमें दे रखी है. ये एक equipotential surface है, ये एक है, ये एक है और ये एक है. ये figure one हो गया हमारा, ठीक. This is the figure one. अब दूसरा फिगर बनाते हैं. ये दोनों पास है और ये दोनों दूर हैं, ठीक. बट स्टिल ये पोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं, इनके ऊपर जो पोटेंशियल है, दे रिमेन द सेम, दे रिमेन द सेम. ये हमारा फिगर टू हो गया. अब एक और बनाते हैं. ये हमारा चौथा फिगर हो गया, थर्ड फिगर हो गया. 40 वोल्ट ए बी, ये हो गया हमारा फिगर नंबर थ्री. ये तीन फिगर्स हमें बने हुए दे रखे हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट के, जिसमें चार इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे रखी हैं, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट के. हर में दो पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, ए बी, ए बी, ए बी, सेम जगह पे. एक 40, एक 20 वोल्ट के सर्फेस पे, एक 40 वोल्ट के सर्फेस पे. यहाँ पे भी एक 20 वोल्ट की, एक 40 वोल्ट की. सिमिलरली यहाँ भी 20 वोल्ट की, 40 वोल्ट की सर्फेस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. बट जो सर्फेसेस हैं इसमें इक्विडिस्टेंट हैं और इसमें डिफरेंसेस हैं, कोई कम पास है, कोई दूर है. हमसे पूछा गया कि वर्क डन फिगर वन में, ऑप्शन ए है कि फिगर वन में वर्क डन जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, वॉट एवर. सेकेंड ऑप्शन दिया कि फिगर टू में वर्क डन जो है वो लीस्ट होगा. सी दिया कि वर्क डन इज सेम इन ऑल द वर्क डन, सॉरी इसको डब्ल्यू डी लिख देते हैं, द वर्क डन इज सेम इन ऑल द फिगर्स. डी है कि वर्क डन फिगर थर्ड का इज ग्रेटर देन फिगर टू बट इक्वल टू, बट फिगर थर्ड और फिगर वन का वर्क डन इक्वल है. ये क्या है? वर्क डन, वर्क डन की हम बात कर रहे हैं. इसमें भी, इस केस में भी वर्क डन की बात कर रहे हैं. तो ये हमें चार सर्फेसेस तीन फिगर्स में दे रखी हैं. हमसे पूछा गया कि क्या वर्क डन ग्रेटेस्ट है इसमें. सेकेंड ऑप्शन दिया क्या वर्क डन सबसे कम है इसमें. थर्ड ऑप्शन दिया कि सब में सेम वर्क डन है. और फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने कहा कि वर्क डन जो थर्ड में है वो ग्रेटर देन सेकेंड में है, बट इन दोनों का वर्क डन इक्वल है. क्या हमें इसमें निकालने की जरूरत है वर्क डन? इज इट नेसेसरी, इज इट रिक्वायर्ड कि हम निकालें वर्क डन कितना होगा? नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाई? ये कैसे सर्फेसेस हैं? दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. तो वर्क डन इज क्यू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए या बी पॉइंट से ए पॉइंट आने के लिए. तो वर्क डन विल बी सेम इन ऑल द कंडीशंस. क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं. और जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट.
पाथ इंडिपेंडेंट है, तो कैसे भी हमारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस लगी हो उससे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब किससे है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है. और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस अगर है तो क्या होगा, वर्क डन सब में सेम आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का है. दो पॉजिटिव चार्जेस है. फिफ्थ क्वेश्चन, टू पॉजिटिव चार्जेस आते हैं 1 माइक्रोकूलम ईच. ठीक है, 1 माइक्रोकूलम ईच के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. तो इट्स सिंपल क्वेश्चन सिंस इट्स ये किसी बोर्ड के एग्जाम में आईएससी 2017 में आया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. अदरवाइज इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. तो यू विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R. पोटेंशियल एनर्जी यही होती है. यू इज इक्वल टू दिस, तो सिंपली 9 × 10⁻⁹ 1 माइक्रोकूलम ईच है तो 10⁻⁶ का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय R. ये हमारा आ जाएगा 9 × 10⁻³ जूल्स. 9 × 10⁻³, इसके भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं अलग अलग, कि ए ऑप्शन 9 × 10⁻⁶ जूल्स दे रखा है, बी ऑप्शन इसी तरह से 9 × 10⁻²⁰ जूल्स दे रखा है, एंड सो ऑन. तो जहां हमारा 9 × 10⁻³ जूल्स है, दैट वी हैव टू मार्क एज करेक्ट. तो ये हमारा एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट इज कि हमसे पूछा गया है कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाए हैं, हम एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए हैं. 6th नंबर, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाए हैं, ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी से हम कहां पे लाए हैं, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. Of an electric dipole. The work done will be option A is given to us as positive, B as negative, C as zero, and D as none. एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है हमारे पास, इसको हम कहां से लाए हैं, ब्रॉट फ्रॉम कहां से इन्फिनिटी से हम कहां लेकर आए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लेकर आए, कोई भी किसी भी पॉइंट पे ले आए. यहां पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है, बस ये बताया गया है कि इस पॉइंट तक हम लाए. हमसे पूछा गया है कि वर्क डन विल बी जीरो. वाई क्योंकि इस पे क्या होता है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. इजी क्वेश्चन थे ये सब, नथिंग टू go in detail. Next question, a very nice question. Next question is, positive and negative point charges of equal magnitude. एक positive charge है, एक negative charge है of equal magnitude are kept at 0, 0. A/2 and 0, 0 - A/2.
यहां हमने क्या रखा है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हमने यहां पे रख दिए. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज, व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम कहां से कहां, माइनस ए जीरो जीरो से जीरो ए जीरो तक. ये हमारा जेई 2007 का क्वेश्चन है कि दो चार्जेस, दो इक्वल एंड ऑपोजिट, अगर यहां पे क्यू रखा है तो यहां पे माइनस क्यू रखा है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं, हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से कितनी जेनरेट होगी. हमें वर्क डन निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दो चार्जेस रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना होगा अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है कहां से कहां, माइनस ए जीरो जीरो से जीरो ए जीरो तक. ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, दे हैव गिवन अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. इसमें भी ऑप्शन क्या है, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, सी इज जीरो एंड डी इज नन. ये हमें पता करना है. अब पहले ये पॉइंट्स मार्क कर दें, ये एक्स एक्सिस है सपोज, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक. तो ये माइनस ए जीरो जीरो और दूसरा पॉइंट दे रखा है वाई पे हमें जीरो ए जीरो. ये हो गया कौन सा प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन. ये एक्स वाई प्लेन है, इस पे हमको मूव करना है और हमारे चार्जेस कहाँ रखे हैं, जेड एक्सिस पे. हमारे चार्जेस कहाँ रखे हैं, जेड एक्सिस पे. ये माइनस जेड है सपोज, दिस इज योर प्लस जेड. तो ये हो गया जीरो जीरो ए बाय टू एंड यहाँ पे हो गया जीरो जीरो माइनस ए बाय टू. ये चार्जेस हमारे रखे हुए हैं कहाँ पे, जेड एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे रखे हैं, इस एक्सिस पे. ये अगर एक्स वाई बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन है तो ये हमारी जेड एक्सिस हो गई. चार्जेस यहाँ पे अगर रखे हुए हैं तो ये, और हमें मूव किस पे करना है, परपेंडिकुलर सरफेस पे करना है, तो ऑटोमेटिकली द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो. क्योंकि डायग्राम, इसीलिए टू ड्रॉ द डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इसका जैसे ही डायग्राम बनाया, व्हाट वी फाउंड आउट वाज कि हमारे जो चार्जेस हैं, हमारे चार्जेस कहाँ रखे हैं, परपेंडिकुलर पे रखे हुए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखे हुए हैं, सॉरी परपेंडिकुलर सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है. ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखे हुए हैं इसके, और ये हमारा प्लेन है जिस पे हमें चार्जेस को मूव करना है. एक्स वाई प्लेन पे हमें चार्जेस को मूव करना है और हमारे जो दो चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो कहाँ हैं, वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, जीरो जीरो ए बाय टू और जीरो जीरो माइनस ए बाय टू. तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम फिगर बनाएंगे वी कैन फाइंड से कि द वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कहाँ पे हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन पे हैं. टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल, इजी सा है. दो पॉइंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन. दो पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट एंड माइनस 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. वर्क डन टू मूव 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू क्यू हमको 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं पी से क्यू पे, तो वी क्यू माइनस वी पी, ठीक. कितने इलेक्ट्रॉन्स, वर्क डन का सिंपल हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज. चार्ज कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, माइनस 1.6 इंटू 10^-19. ये होगा हमारा वर्क डन, हमें वर्क डन ही निकालना है, दिस इज आर वर्क डन. तो वी क्यू माइनस वी पी इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10^-19.
19. This is what we have to find out. ये है हमारा work done. वर्क डन क्या हुआ? चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस. चार्ज कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है. साइन, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी तो साइन इज इंपॉर्टेंट, साइन रख दिया. वीपी से वीक्यू जाना है तो सोर्स माइनस द डेस्टिनेशन रखते हैं, तो -4 -10 दिस कम्स आउट टू बी, दोनों ये भी नेगेटिव क्वांटिटी है, ये भी नेगेटिव है, इट विल बिकम पॉजिटिव एंड द आंसर विल बी 2.24 × 10⁻¹⁶ जी. इस तरह से ये आंसर है. इसके भी ए बी सी डी ऑप्शंस दे रखे हैं, यू हैव टू जस्ट मार्क द करेक्ट वन. ये भी एक ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है. दिस इज फ्रॉम योर IIEEE 2009. सिंपल क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज फ्रॉम नेक्स्ट में फिर हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे रखी हैं. जैसे पिछली बार हमने डिस्टेंस अलग कर दिया था, वी हैड डन कि चार इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हमें दे रखी थी, सबके बीच में हम बार बार डिस्टेंस जो है उनके बीच का वो डिफरेंट कर दे रहे थे और तब हमें वर्क डन जीरो मिल रहा था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर बार इक्वल रहने वाला था. इसमें इस बार दे रखा है कि चार सर्फेसेस, एक सर्फेस ऐसे बना दिया, दिस इज 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट. ए पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, बी पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया. ठीक, एक सरफेस फिर हमें दे रखी है ऐसे. एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट. एक सरफेस हमें ऐसे दे रखी है, दिस इज ए बी और सॉरी दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. ये दे रखा है 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट. और हमको अब इसमें पूछा गया है कि ये रीजन्स हैं, इक्विपोटेंशियल रीजन्स हैं सारे, हमें बताना है कि किस में वर्क डन कैसा होगा. तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं. एक दे रखा है कि मैक्सिमम वर्क रिक्वायर्ड जो है वो इस फिगर में, मैक्सिमम वर्क जो रिक्वायर्ड है वो इस फिगर में. देन एक दे रखा है कि वर्क डन इज सेम इन ऑल द केसेस. मिनिमम वर्क एक में कह रखा है कि मिनिमम वर्क जो है वो इसमें है, मतलब एक ऑप्शन है कि मैक्सिमम वर्क डन है थर्ड में. इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. सेकंड दे रखा है सेम इन ऑल द केसेस, वर्क डन इज सेम इन ऑल द केसेस. थर्ड ऑप्शन दे रखा है लीस्ट वर्क डन इन वन एंड फोर दे रखा है नन. तो कौन सा हमारा होगा? सेम वर्क डन इन ऑल द केसेस, क्योंकि ये सारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हर में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तो दिस इज व्हाट योर वर्क डन इज. वर्क डन इज चार्ज इन टू द पोटेंशियल डिफरेंस. तो जब ये हर में सेम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हर में सेम है, कितना है 40 - 10 30 वोल्ट हर में है, तो जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, एक ही चार्ज को हम मूव करा रहे हैं. तो एवरी टाइम जो भी इसका पाथ हो, जो भी शेप हो, जो भी साइज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इट विल रिमेन द सेम बिकॉज वर्क इज, जो अभी हमने लिखा था, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट. तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे. वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नाउ. कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम जाएंगे. लाइक एक हेक्सागन हमें दे रखा है, वी हैव बीन गिवन अ रेगुलर हेक्सागन. ठीक है, दिस इज योर नाइन्थ क्वेश्चन. एक हेक्सागन हमें दे रखा है, दिस इज द हेक्सागन. एक हमें दे गया है, हमसे कहा गया है कि सब पे चार्जेस जो है वो क्यों रखे हुए हैं. ठीक है, सारे जितने भी कॉर्नर्स हैं उस पर क्यों चार्ज रखा गया है. ये इसका सेंटर है. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, एट द सेंटर. मान लो इस पॉइंट को P. ठीक, ये जो डिस्टेंस होता है रेगुलर हेक्सागन का, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन.
हर साइड 10 सेंटीमीटर का है. हर साइड हुआ, हर साइड इक्वल होता है रेगुलर हेक्सागन का, हर साइड इज 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है. तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका हर साइड इज 10 सेंटीमीटर और हर एक कॉर्नर पे उसके क्या दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है. सारे चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर. रेगुलर हेक्सागन में ये जो डिस्टेंस होता है, तो हम लोग अपने अब शुरू करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल. ये तो हमने डायग्राम बना लिया, हम इन सारे साइड वर्टिसेस को मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी ई एंड देन एफ, ये हमने मार्क कर दी. फॉर अ रेगुलर हेक्सागन ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू डी पी is equal to EP is equal to FP and this is will be equal to each of the side. ये जितना भी side होगा ये भी उतना ही, हर एक ये equilateral triangle बनाता है, हर एक ये center से ये जो बन रहा है this is an equilateral. तो ये जो एक हमारा बना that is an equilateral triangle. इसी वजह से ये जो sides होते हैं ये हमारे सारे side के ही बराबर आएगा, ये distance will be equal to the side. This is equal to 10 centimeter. Once we know this, now we are done. Potential net क्या होगा? जो एक Q की वजह से हो रहा है, जो एक single Q की वजह से यहाँ पे, वही इन 6 Qs की वजह से होगा. अगर हमें सिर्फ P पे, A पे जो charge रखा हुआ है, P point पे, A point पे जो charge रखा हुआ है, उसकी वजह से potential मिल जाए, तो उसको अगर हम into 6 कर देंगे, तो वी विल गेट अ पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, हमें सिंपल एल्जेब्रिक सम चाहिए. तो दिस विल बी इक्वल टू 6 इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. और ये हमें q क्या दे रखा है, q हमें दे रखा है 5 माइक्रो कूलम. q हमें दे रखा है 5 माइक्रो फोर क्योंकि क्वांटिटी. तो दिस इज 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. आर इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. दिस कम्स आउट टू बी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट. रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, हेक्सागन के हर वर्टेक्स पे एक 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 चार्ज दे रखा है हमें, तो हमें सेंटर पे निकालना है. तो किसी भी वर्टेक्स से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड, उस लेंथ ऑफ द साइड. तो हमें ये अगर एक बार पता चल गया, हम किसी भी एक चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लेंगे, किसी भी एक चार्ज की वजह से अगर हमने सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दिया, उसी को वी विल मल्टीप्लाई बाय 6 एंड वी विल गेट द टोटल पोटेंशियल. तो 6 इंटू ये एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज इंटू 6. तो 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यों हमें दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ वन साइड जो कि इसकी भी बराबर है. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6. ओके, जस्ट कॉपी इट, हर न्यूमेरिकल को फर्स्ट ट्राई इट एंड देन गो टू द सॉल्यूशन. हर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में फर्स्ट ट्राई एंड देन ओनली गो टू द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज योर 9th, दिस इज योर 10th. अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, दिस इज 1 H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर शेल में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, रिमूव कर दिया. वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड, तो हमको क्या मिल गया, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इज रिमूव्ड. सो वी गेट H2 प्लस आयन मिल गया हमको. ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस में कितने हैं, इन द ग्राउंड स्टेट H2 प्लस टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली
प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन्स इज गिवन टू अस एज 1.5 एंगस्ट्रॉम. और कितने प्रोटॉन्स हैं इसमें? दो प्रोटॉन्स हैं, बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज रफली 1.5 एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन. तो डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 1 एंगस्ट्रॉम. डिटर्मिन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक, सिंपल सा है, ट्राई इट एंड देन ओनली गो टू द सॉल्यूशन. एक H2 मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ था, उसके आउटर, उसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए ये अभी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. दो प्रोटॉन, ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है. अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, वी रिमूव्ड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन हमने जैसे ही रिमूव कर दिया तो अब हमको ये मिल गया H2 प्लस ये आयन हो गया. अब हमसे कहा गया कि जो दो प्रोटॉन्स हैं, ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस इज 1.5 एंगस्ट्रॉम और दोनों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिफरेंस, मतलब इसका इससे और इसका इससे सेम डिस्टेंस है, वो है 1 एंगस्ट्रॉम. तो अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएं तो वी कैन मेक, तीन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ट्राइंगल बना सकते हैं. ये प्लस ई प्रोटॉन्स हो गए, ये माइनस ई इलेक्ट्रॉन हो गया. प्लस ई का डिस्टेंस हमें दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम और प्लस ई और माइनस ई का हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम ईच, 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है. तो अगर वंस वी विल बी एबल टू मेक दिस डायग्राम तो अभी हमारे पास कुछ नहीं रह गया. नाउ इट्स ऑल सिंपल, हमें पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है, एक ट्राइंगल पे तीन चार्जेस प्लेस्ड हैं, बेसिकली अभी हमें यही निकालना है. तो जस्ट सिंपली फाइंड आउट, U इज इक्वल टू 1.1/4πε0. इन दोनों के बीच का क्या होगा, माइनस ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, फिर माइनस ई स्क्वायर आर प्लस ई स्क्वायर आर. आर इसमें, दिस इज आर वन, इसको आर टू लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट एज आर टू, दिस इज आर वन, आर वन. ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, वेयर आर वन इज इक्वल टू 1×10⁻¹⁰ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम. आर टू इज इक्वल टू 1.5×10⁻¹⁰ मीटर. सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है, E इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ और ये वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इज इक्वल टू 9×10⁻¹⁹. सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, ऑल वी हैव टू डू इज वैल्यूज इनकी सिंपली हमें रख देनी है. वी गेट आर यू एज −30.72×10⁻¹⁹ जूल्स. ये हमारा इसका आंसर आता है, दिस इज द आंसर विच वी गेट. हमारा क्वेश्चन ये करवाने का मोटिव वॉज कि हमें ये जो ट्राइंगल हम बना सकें, वी आर एबल टू मेक दिस ट्राइंगल, कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एक ट्राइंगल आपस में क्रिएट कर रहे हैं, एक ट्राइंगल आपस में बना रहे हैं जिसके बीच का डिस्टेंस एंड जिनके बीच और इंडिविजुअल चार्जेस हमको पता है. तो वंस वी नो द डिस्टेंस एंड वी नो द चार्जेस, तो एक ट्राइंगल पे तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th में भी या वॉट एवर, जस्ट देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन नंबर है. दो पॉइंट चार्जेस हमें दे रखे हैं, 0.12 माइक्रोकूलम एंड −0.06 माइक्रोकूलम. इनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 3 मीटर. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना है कहाँ, मिड पॉइंट पे. मिड पॉइंट पे इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, फर्स्ट वी विल डू दिस पॉइंट. दिस एक चार्ज हमें यहाँ दे रखा है +0.12 और एक चार्ज हमें यहाँ दे रखा है −0.06 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम मिड पॉइंट, सपोज ओ यहाँ पे ले लो, मिड पॉइंट है तो ये होगा 1.5 मीटर और ये भी होगा 1.5 मीटर.
ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ इज 3 मीटर, तो मिडवे पूछा है तो 1.5 मीटर. इसकी वजह से Q1 है सपोज ये और ये Q2 है, तो Q1 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज. तो सपोज दिस इज E1, इसकी वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, दिस विल बी E2. तो योर E विल बी E at O विल बी E1 प्लस E2. तो 1/4πε0 0.12 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर प्लस E1 E2 है तो ऐड हो रहा है प्लस 0.06 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर इज 1.5. ये E हमारा हमको मिल जाता है एज द आंसर इज E is 720 न्यूटन पर कूलम. और हमको फिर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज V1 प्लस V2 1/4πε0 0.12 × 10⁶ is R square into 10⁻⁶ upon R minus, यहाँ पे साइन आ जाएगा पिक्चर में बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये दिस कम्स आउट टू बी द आंसर इज 360 volt. और एक बार अगर हमें पोटेंशियल पता है, इफ वी नो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो हमारे लिए क्या इजी हो जाता है. इफ वी नो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट देन व्हाट इज इजी फॉर अस. अगर हम कोई दूसरा चार्ज, इसमें आगे यही है कि अगर एक चार्ज 0.2 माइक्रो कूलम का हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएं, अगर हमें एक वर्क डन निकालना है एक चार्ज 0.2 माइक्रो कूलम का, अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएं तो वर्क डन कितना होगा. तो सिंपली वर्क डन विल बी चार्ज इंटू द पोटेंशियल, चार्ज इंटू द पोटेंशियल, राइट. 0.2 माइक्रो कूलम का, जस्ट राइट, 0.2 माइक्रो कूलम का एक चार्ज हम इन्फिनिटी से अब इस मिड पॉइंट पे ले आए, हमसे पूछा गया कि वर्क डन क्या हुआ. तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज सिंपली चार्ज इंटू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0.2 × 10⁻⁶ इंटू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट 360 volt. This is equal to 7.2 × 10⁻⁵ joules. ये हो जाएगा. Another question. एक square दे रखा है हमें. We have been given a square. एक square हमें दे रखा है जिसके चारों corners पे हमने माइनस क्यू ये चार्जेस रख दिए हैं. बीच में एक प्लस 4q रखा हुआ है. सारे साइड्स ए के बराबर हैं. हमसे पूछा गया है कितना वर्क रिक्वायर्ड है, वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव प्लस 4q टू इन्फिनिटी. ये हमसे पूछा गया है. अब चारों कॉर्नर्स पे माइनस क्यू, जस्ट ट्राई इट वंस, पॉज द वीडियो, ट्राई इट वंस. माइनस क्यू रख दिया, एक प्लस 4q बीच में रखा. हमसे कहा गया अब इस प्लस 4q को हटाना है हमें और इन्फिनिटी पे भेज देना है, उसमें कितना वर्क डन होगा. अभी तक हम वर्क डन क्या निकाल रहे हैं, कि हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला रहे हैं और यहाँ रख रहे हैं, तो हम वर्क डन निकाल रहे थे. वी आर डूइंग दिस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वट एवर. अभी हमसे कहा जा रहा है कि इसको आप रिमूव करिए, तो हम क्या कर लेंगे, हम सेम प्रोसीजर, फॉलो द सेम प्रोसीजर, हम इन्फिनिटी से उस चार्ज को, हम मान लेंगे एक चार्ज है 4q, हम उसे इन्फिनिटी से लाएंगे, सेंटर पे प्लेस करेंगे. ये जो मेरा वर्क डन आएगा उसका जस्ट माइनस अगर हम उसमें लगा देंगे तो वो वर्क डन हो जाएगा इसको यहां से रिमूव करने का. तो पहले तो क्या हम करेंगे, वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ओ. पोटेंशियल एट ओ क्या हो जाएगा,
VO, one इन चारों चार्जेस की वजह से 4 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ए बाय रूट टू. तो ये हमें मिल गया माइनस 4 क्यू माइनस 4 क्यू माइनस 4 इंटू रूट टू. रूट टू ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. ये हमें वी नॉट मिल गया. अब वर्क डन इन्फिनिटी से 4Q लाने के लिए वर्क डन टू ब्रिंग. अभी हमसे क्वेश्चन ऑपोजिट पूछा गया, हम ऑपोजिट चीज कर रहे हैं. वर्क डन टू ब्रिंग प्लस 4Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ओ कितना होगा. वर्क डन विल बी इक्वल टू प्लस 4Q इंटू चार्ज इंटू द पोटेंशियल इंटू, ये भी माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. तो ये वर्क डन है हमारा टू ब्रिंग प्लस 4Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ओ. हमसे पूछा गया है टू रिमूव 4Q टू इन्फिनिटी, तो इसका जस्ट साइन ऑपोजिट हम कर देंगे और वो हो जाएगा. देयरफॉर वर्क डन टू रिमूव 4Q फ्रॉम ओ टू इन्फिनिटी, फ्रॉम ओ टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी. तो माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी करेंगे तो ये माइनस साइन विल मेक अ प्लस साइन एंड दिस इनटू दिस. तो इट विल बी 16 रूट टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. ये हो जाएगा टू रिमूव 4 इंटू 4 16 हो गया, रूट टू रखा हुआ है, क्यू स्क्वायर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. तो क्या हमसे पूछा गया था कि हमें इसे यहाँ से रिमूव करना है, हमने क्या किया, हम इन्फिनिटी से ले आए चार्ज, हमने यहाँ पर रखा. ये जो वर्क डन है इसी का जस्ट ऑपोजिट वर्क डन होगा इसे रिमूव करने के लिए. तो हमने पहले अपना रेगुलर प्रोसेस वो किया कि हमने यहाँ पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विल गिव मी द पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विल गिव मी द वर्क डन. तो हमने पहले पोटेंशियल निकाला, यहाँ पे चारों चार्जेस की वजह से सेम पोटेंशियल आएगा, तो कुछ नहीं किया हमने 4 इंटू चारों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल था वो निकाल लिया, वो हमें ये मिला, वो हमको ये मिल गया, उसको हमने 4Q से मल्टीप्लाई कर दिया. ये वर्क डन है इन्फिनिटी से ओ पे लाने का वर्क डन. ऑपोजिट निकालना है, ऑल वी डिड वाज हमने माइनस, ये माइनस यहाँ नहीं है, हमने माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी कर दिया. तो माइनस माइनस विल मेक अ प्लस. तो ये क्वांटिटी जो आई वो हमें में क्या मिली, वो हमें पॉजिटिव मिली, वो हमको पॉजिटिव मिली. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट इज कि हमसे 3 पॉइंट चार्जेस हमें दे दिए हैं. वी हैव बीन गिवन 3 पॉइंट चार्जेस जो कि ऐसे प्लेस्ड है 8Q यहाँ पे है क्यू एंड यहां पे है 2Q ऐसे है और इनका टोटल इनके बीच का डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर. इस चार्ज और इस चार्ज ये पूरी जो लेंथ है दैट इज 9 सेंटीमीटर. हमें बताना है कि कैसे इन चार्जेस के बीच का क्या डिस्टेंस होना चाहिए सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, पीई ऑफ सिस्टम इज मिनिमम. How should we place the charges such that the potential energy is minimum? Ki basically we have to find out ki ye x aur ye 9 minus x kitna hoga. Isse humne le liya x, isse humne le liya 9 minus x. Hame kitne kitne distance mein hum teenon charges ko place karein, 9 centimeter ki duri hai hamari total hamari length hai ki ye potential energy jo system ki ho wo minimum ho. To pehle to potential energy hum nikal lein system ki इन दोनों की वजह से 8Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस प्लस इन दोनों की वजह से 2Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस और इन दोनों का आपस में 16Q स्क्वायर अपॉन द डिस्टेंस. ये सब सेंटीमीटर में है तो जो x आएगा वो हमारा सेंटीमीटर में होगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर बार x इंटू ये कर सकते हैं 10^-2 से हम मल्टीप्लाई अभी ही कर देते हैं जिससे अब जो हमारा x आएगा वो हमें मीटर में मिलेगा.
जो हमारा x आएगा वो हमें मीटर में मिलेगा. बाहर ले लेते हैं 2q square 4 pi epsilon naught into 10 to the power minus 2. इतना हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 9 माइनस x प्लस 8 अपॉन 9. ये हमको मिल गया, ये हमको मिला. पोटेंशियल एनर्जी हमें मिनिमम निकालनी है. वी हैव टू मिनिमम निकालनी है. व्हाट वी विल डू इज डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे. जो भी x की वैल्यू आएगी दैट विल गिव बी एज द मिनिमम. तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वी आर गेटिंग, इसको यहीं पे लिख देते हैं, 2q square अपॉन 4 pi epsilon नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर. इसको हमने पुट किया 0 फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमें ये मिलेगा. ये पूरा हमारा 0 पे चला जाएगा. जब हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो वी विल बी गेटिंग टू वैल्यूज. दो वैल्यूज आ रही हैं हमारी, 6 और 18. 18 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो 9 के बाहर चला जाएगा. तो 18 इज नॉट पॉसिबल. तो क्या पॉसिबल है? 6. तो ये 6 सेंटीमीटर जो हमारा आया है, x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर. मतलब एक यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस विल बी 3 सेंटीमीटर. ये करके हमने क्या किया था, ये जो माइनस 2 लगा रहे हैं, माइनस 2 लगा के कि जो x आएगा वो हमारा सेंटीमीटर में आएगा, हमने उसे पहले से कन्वर्ट कर दिया है. तो जिससे हमें अपना आंसर सेंटीमीटर में ही मिला है. तो व्हाट वी हैड डन इज कि हमें तीन चार्जेस दे रखे थे, उनकी पोजिशन ऐसे दे रखी है और कहा है कि हमारे पास स्पैन कितने का है, 9 सेंटीमीटर का स्पैन है. अब हमको क्या करना है कि चार्जेस को हम इन तीनों को कैसे प्लेस करें, कितनी दूरी पे, कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी जीरो हो जाए, मिनिमम हो जाए. तो हमने क्या किया, हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली सिस्टम की. पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी सिस्टम की, 10 टू द पावर माइनस 2 इसलिए किया जिससे हमारा, हमें सेंटीमीटर में ही हम बात कर रहे हैं, ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया जिससे x हमारा सेंटीमीटर में ही आए. 9 माइनस x, ये सब सेंटीमीटर की ही हम बात करते रहे. ये पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गई. अब हमें मिनिमम निकालनी है. फॉर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया. डिफ्रेंशिएट करके वी इक्वेटेड इट टू 0. 0 से इक्वेट जब हमने किया तो वी गेट x की दो वैल्यूज, क्योंकि x स्क्वायर है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 6 सेंटीमीटर, एक 18 सेंटीमीटर. 18 सेंटीमीटर नहीं हो सकता क्योंकि वो इस स्पैन से बाहर चला जाएगा. तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है और 3 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है. So last numerical of the lot is, last numerical of this lot is, एक हमें spherical drop of water दे रखी है. We have been given a spherical drop of water. Spherical drop of water दे रखी है जिसमें charge हमारा कितना है, चार्ज है 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम और पोटेंशियल दे रखा है 500 वोल्ट एट इट्स सरफेस. ठीक है, ये हमें दे रखा है. हमसे पूछा गया है रेडियस बताने को कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप. हमसे पूछा गया है कि रेडियस क्या है ड्रॉप का. वी हैव बीन आस्क्ड द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप. तो सिंपली v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. यहां से हमें r मिल जाएगा. दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. q हमें दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. r हमें पता करना है, वोल्ट हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 500. सो r कम्स आउट टू बी 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. फर्दर इसमें कहा गया कि ऐसे ही दो ड्रॉप्स हम कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमसे कहा जा रहा है कि कंबाइन टू सच ड्रॉप्स टू मेक अ बिगर ड्रॉप, टू मेक अ बिगर ड्रॉप. अब इसका हमको रेडियस निकालना है.
What is the potential? Sorry. What is the potential of the new drop? हमें what is the potential of the new drop? ये हमको निकालना है. हमने जो originally हमें एक छोटी drop of water दे रखी है, ऐसी दो drops को हमने combine किया और एक big drop बना दी. जैसे ही हमने एक big drop बना दी, हमसे अब कहा गया जो big drop है, उसका potential बताइए. तो charge on the new drop will be दो drops combine किए हैं, तो charge on new drop. चार्ज ऑन न्यू ड्रॉप इज इक्वल टू 2q जो भी उसमें था. ठीक. वॉल्यूम ऑफ द न्यू ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. स्मॉल ड्रॉप तो दिस इज इक्वल टू स्फीयर है तो आर क्यूब is equal to 2 into 4 pi r cube by 3. ठीक है. तो यहां से हमें r क्या मिल जाएगा, ये r is the radius of the radius of bigger drop. Bigger drop is equal to r. तो r हमें यहां से मिल गया 2 to the power 1 by 3 r. ये हमें radius मिल गया. r भी हमें पता है, आर भी हमको पता है, बाद में हम वैल्यूज रखने में काम लाएंगे. तो अब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज न्यू ड्रॉप में क्या है, 2q अपॉन आर कितना है, क्यू की वैल्यू हमें पता है, क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम. आर हमको पता है इट इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. सिंपली पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड यू गेट, और ये क्वांटिटी कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यू गेट इट एज 795 वोल्ट. तो सिंपली हमें क्या करना था कि हमें एक छोटी ड्रॉप दे रखी थी, उसका पोटेंशियल दे रखा था, चार्ज दे रखा था, हमें रेडियस निकालना था. हमने वोल्ट के पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखा, वी फाउंड आउट द रेडियस ऑफ दैट. फिर हमसे कहा गया इसी तरह की दो ड्रॉप्स लेके एक बड़ी ड्रॉप बनाइए और अब उसका पोटेंशियल बताइए. जैसे ही हमने दो ड्रॉप्स इनको कंबाइन किया तो चार्ज क्या हो गया, 2q हो गया. रेडियस हमने उसका कैपिटल आर ले लिया. जो वॉल्यूम ऑफ न्यू ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप. ये रिलेशनशिप से हमें नई वाली जो अपनी बड़ी वाली ड्रॉप है उसका रेडियस मिल गया. जैसे ही हमको रेडियस मिल गया, हमारे पास चार्ज है, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द पोटेंशियल जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. फॉर्मूले में हमने वैल्यूज रखी, वी गेट इट एज 795 वोल्ट. सो टुडे वी हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पॉसिबल. इसी तरह के ही न्यूमेरिकल्स अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो वी विल बी एबल टू क्रैक एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. थैंक यू.